नमस्कार छात्रों, जो MA फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं, आप एडमिशन ले रहे हैं और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण पर, कि काल विभाजन क्या है और हिंदी साहित्य का नामकरण किन किन विधियों द्वारा किया गया है और कौन कौन सी वे समस्याएं हैं जिस कारण से कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की समस्या आ रही है। सबसे पहले तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किन किन आधारों को लेकर अभिव्यक्त हुआ है। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण बिंदु है। पहला ये है कि काल विभाजन, काल यानी समय का विभाजन, यानी विभाजित करे, जो समय को परिवर्तित न करके समय को उक्त स्पष्ट और व्यवस्थित बिंदुओं में बांट दे। अब जैसे कब से कब तक हम युवा रहते हैं, कब से कब तक हम बालक रहते हैं और कब से कब तक हम मध्यम व्यक्ति के रूप में रहते हैं और कब हम बूढ़े हो जाते हैं। तो हमारी युवावस्था या जवान, पहला घंटा हमारे जीवन का बचपन है, दूसरा घंटा युवावस्था है या जवानी है, तीसरा बुढ़ापा है, यह कब आता है। वैसे ही साहित्य के क्षेत्र में भी काल विभाजन और नामकरण एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। बिना काल विभाजन के साहित्य एक स्पष्ट आधार लेकर आगे नहीं बढ़ पाता है। तो चलिए हम जानने का प्रयत्न करते हैं कि काल विभाजन और नामकरण किन आधारों को लेकर अभिव्यक्त हुआ है और क्या क्या बातें काल विभाजन में आती हैं। तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण में चार प्रमुख बातें आती हैं जिन आधारों पर काल विभाजन किया जाता है और हिंदी साहित्य के इतिहास का नामकरण किया गया है। तो पहला काल विभाजन का पहला आधार जो है वह है विकास यानी जिस तरह से व्यक्ति सभ्य हो गया, जैसे जैसे विकास हो गया, विकासवादिता या ऐतिहासिक परिवर्तन के आधार पर पहला काल विभाजन किया गया विकासवादिता या ऐतिहासिकता के आधार पर। यानी विकासवादिता और ऐतिहासिकता क्या होती है? विकासवादिता वह होती है जो व्यक्ति के विकास पर आधारित होती है। जैसे बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चे ने बोलना सीखा, बोलने के बाद फिर बैठना सीखा, बैठने के बाद चार पैरों पर चलना सीखा, फिर खड़े होकर चलना सीखा, फिर स्पष्ट आवाज़ उसके मुख से निकलने लगी, फिर मम 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 पा 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 इस तरह के वर्णों का उच्चारण किया, फिर उसके बाद मम्मी पापा सबको पहचानने लगा, फिर एक स्पष्ट उसकी भाषा हो गई। तो ऐसे विकास साहित्य में होता है कि हिंदी साहित्य का जब उद्भव हुआ तो उसका विकास कैसे हुआ? पहले हिंदी साहित्य अपभ्रंश की अवस्था में था, हिंदी का टूटा फूटा रूप था, एकाध दो पद्य मिल जाते थे जिनमें हिंदी का स्पष्ट स्वरूप दृष्टिगोचर हो पाता था, चाहे सहरपा हूँ, सबरपा हूँ, कहड़पा हूँ, डोम्भिपा हूँ, इनकी रचनाओं में यही स्थिति और परिस्थिति हम पाते हैं। फिर रासो साहित्य आया तो वह उससे सिद्ध साहित्य से थोड़ा सा सरल था, तो थोड़ा सा विकास हुआ और विकास होते होते अमीर खुसरो और विद्यापति तक हिंदी साहित्य के एक व्यवस्थित स्वरूप का निर्धारण हो चुका था। यहाँ से हिंदी साहित्य अपने स्वरूप में आ चुका था। तो जब विकासवादिता या ऐतिहासिकता के आधार पर काल विभाजन और नामकरण किया जाता है तो वो नामकरण लगभग इस प्रकार से होता है कि आदिकाल,
नाम क्या दिया जाता है, जैसे जो प्राचीन काल होता है यानी जो शुरुआत होती है उसे साहित्य में आदिकाल नाम दिया जाता है, आदिकाल देंगे या प्रारंभिक काल नाम देंगे या प्राचीन काल नाम देंगे, इस तरह से नाम दिया जाता है यानी इतिहास को आधार बनाकर जब परिवर्तन होता है भाषा और साहित्य में तब इन बिंदुओं को लेकर हम अपने साहित्य का निर्माण करने लगते हैं। तो यहाँ पर भी हूबहू यही बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होती है कि विकासवादिता के आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन ऐसे ही किया गया है। आदिकाल जैसे नाम दिया गया, आदि यानी पुराना काल यानी कालखंड, पुराना कालखंड क्या है, तो पुराने कालखंड में जो हिंदी साहित्य की आदिकालीन परंपरा में लिखित रचनाएं हैं और जो लेखक हैं वे सब कहाँ आएंगे, आदिकाल में आएंगे। प्रारंभिक काल यानी जो साहित्य के उदय का काल है, साहित्य के उदय की जो प्रारंभिक अवस्था निश्चित की गई है वह अवस्था प्रारंभिक काल कही जाएगी। इसके लिए जो भी विद्वान हैं वे अपने अपने नियम निर्धारित करते रहते हैं। अब इसके बाद जैसे देखिए, ये तो हो गया आदिकाल के संदर्भ में कि जब विकासवादिता के आधार पर आदिकाल का नामकरण हिंदी साहित्य के प्राचीन काल का नामकरण किया जाएगा तो वो आदिकाल, प्रारंभिक काल या प्राचीन काल रखा जाएगा, ये विकासवादिता के आधार पर है। और फिर इसके बाद क्या होता है, मध्यकाल रखा जाता है। क्या रखा जाता है, मध्यकाल, क्योंकि यहाँ पर हम विकास को आधार मान करके लेखन कार्य करने चल रहे हैं तो वहाँ पर इसी बात की योजना होगी कि क्या मध्यकाल जो है या आदिकाल जो है वह विकास को आधार बना रहा है कि नहीं। विकास कैसा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि बचपन, जवानी और बुढ़ापा, ये तीन विकास की अवस्थाएं हैं। अब इस विकास की अवस्था में ये विकासवादिता या इतिहास के आधार पर नामकरण निर्धारित करने का साधन होता है। अब जब यही अवस्था हमारे साथ, ये कहा जाए कि आमुक व्यक्ति का या इनके इनका बचपन कब से कब तक था, तो ये होगा कि ये बाल्यावस्था थी, ये शैशवावस्था थी, ये युवावस्था थी। तो अब बांटने का जो आधार होगा वह विकासवाद नहीं होगा, वह क्या होगा, कर्ता के आधार पर, क्रम के आधार पर जितना कार्य हम करने लगे तब से तब तक के समय को हम बालक, युवा और वृद्धावस्था नाम देते हैं। मध्यकाल जैसे नाम दिया गया, मध्य यानी बीच का काल, जैसे बचपन, जवानी और बुढ़ापा, तो मध्यकाल क्या होता है साहित्य का, जवानी। तो ये जो स्थिति होती है, मध्यकाल को इतिहास के आधार पर या विकासवादिता के आधार पर दो आधारों में बांटा जाता है, पूर्व मध्यकाल या उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, क्योंकि मध्यकाल जो होता है वह थोड़ा विस्तृत होता है इतिहास का, पूर्व और उत्तर मध्यकाल जो भारत का है, हिंदी साहित्य का है, वह 1343 से लेकर 1843 तक माना जाता है। अब इस काल में क्या होता है, जब साहित्य लिखा जा रहा है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन में हम यह देखेंगे कि मध्यकाल की प्रारंभिक अवस्था में किन किन बातों को समाहित किया गया है और मध्यकाल में ही
उत्तरकालीन मध्यकाल के आगे की अवस्था में, यानी जब मध्यकाल का ह्रास हो रहा था, मध्यकाल का अंत हो रहा था, तो उस समय जो रचनाएं हिंदी साहित्य में की गई वे कैसी थी और उनके उन रचनाओं के क्या क्या रूप थे जिन्होंने कि साहित्य को एक नवीन जीवन दृष्टि देने का प्रयास किया है, वे कौन थे। तो देखिए छात्रों, जब हम इन बातों पर जाते हैं और उन बातों का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि पूर्व और उत्तर मध्यकाल में क्या अंतर है। पूर्व मध्यकाल यानी मध्यकाल के मध्यकाल में प्रारंभिक अवस्था क्या थी और उत्तर मध्यकाल यानी मध्यकाल की अंतिम अवस्था क्या थी। अब जो मध्यकाल है, मध्यकाल में पूर्व और उत्तर मध्यकाल की स्थिति का जब आकलन करेंगे तो हम देखते हैं कि पूर्व मध्यकाल में भक्तिकालीन रचनाएं पाई जाती हैं, उत्तर मध्यकाल में भक्ति अपनी अतिशयता को चला गया है, यहाँ भक्ति का श्रृंगारिक चित्रण व्यक्त होने लगा है, तो उसे उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत हम समाहित कर देते हैं। अब ऐतिहासिक कालानुक्रम के आधार पर ही हम मध्यकाल और फिर इसके बाद संक्रांति काल या और आधुनिक काल में बांटते हैं कि हमारा जो आधुनिक काल है वह कैसा है। आधुनिक काल को वर्तमान काल भी आप कह सकते हैं। वर्तमान काल में साहित्य ने किन किन नवीन प्रवृत्तियों को अपनाया है। आधुनिक यानी जिसमें नवीनता हो, मौलिकता हो, सुकुमारता हो, सुग्राह्यता हो, संबद्धता हो, ये सभी बातें आधुनिक बनाती हैं। प्राचीन, अब जैसे इधर का जो साहित्य था, आदिकाल या मध्यकाल का जो साहित्य था, आदिकाल में तो भाषा की शुरुआत हो रही थी, मध्यकाल में भाषा का स्वरूप निर्धारित हो गया था लेकिन उसके व्याकरण का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन आधुनिक काल जब आता है तो उसमें नई चीज़ व्याकरण आ जाती है, गद्य में रचनाएं लिखी जाने लगती हैं और तरह तरह के कवियों द्वारा तरह तरह की नवीन रचनाओं को भी लोग लिखने लगते हैं। तो देखिए इन सभी बातों का समावेश आधुनिक काल के अंतर्गत ऐतिहासिक कालक्रम के आधार पर करते हैं। अब आधुनिक काल में विभिन्न छोटे छोटे कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा जाता है, उसकी चर्चा मैं करूंगा, लेकिन विकासवादिता के आधार पर आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन तीन आधारों पर हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा जाता है। फिर इसके बाद जब ऐतिहासिकता के आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन हो गया तो अब दूसरा वो कौन सा आधार है जिस आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया जाता है। तो देखिए कर्ता या साहित्य नेता के आधार पर, कर्ता या साहित्य में कोई विशिष्ट व्यक्ति यदि पैदा हो जाए तो उसके आधार पर काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। तो देखिए जब हम इन बिंदुओं पर पहुंचते हैं तो कर्ता और साहित्य नेता के आधार पर हमें कई चीज़ें मिलती हैं। पहली बात तो यह हमें प्राप्त होती है कि कर्ता उस कृति को लिखने वाला जो व्यक्ति है जिसका प्रभाव साहित्य पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा है। अब जैसे हम आधुनिक काल में आते हैं तो एक समय ऐसा आया कि गांधी, महात्मा गांधी के विचारों के आधार पर ही साहित्य लिखा जाने लगा, महात्मा गांधी का ही अनुकरण करके सभी बताने लगे। जैसे वर्तमान परिस्थितियां हैं तो जो भी साहित्य लिखा जा रहा है तो वर्तमान परिस्थितियों में राजनीतिक किसी एक व्यक्ति का वर्चस्व वर्तमान समय में चल रहा है,
तो या तो उसकी अच्छाई लेकर के साहित्य लिखा जा रहा है या उसकी बुराई को लेकर के कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की सृष्टि आ जा रही है। तो अब तो वह कर्ता हो गया कि राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार उसने साहित्य में अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। तो इस आधार पर हम यह पाते हैं कि वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के आधार पर भी हिंदी साहित्य में काल विभाजन और नामकरण किया गया है। कैसे? वो इस तरह से, जैसे भारतेंदु युग, क्या भारतेंदु युग और क्या द्विवेदी युग, ये क्या हैं? साहित्य के नेता हैं जिन्होंने कि साहित्य को लिखने के लिए एक नवीन मार्ग का प्रवर्तन किया है। जैसे प्रसाद युग और क्या रविंद्र युग, इस तरह से साहित्य के क्षेत्र में जब किसी विशिष्ट लेखक या कवि को आधार बना करके साहित्यकर्ता के आधार पर साहित्य के कालखंड का निर्धारण उस व्यक्ति के नाम के आधार पर किया जाए। जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें उन्होंने एक स्थल पर लिखा है कि तुलसीदास और उनके अन्य परवर्ती, तुलसीदास के नाम पर उन्होंने काल विभाजन किया है। तो वो जो स्थिति परिस्थिति है, वह स्थिति परिस्थिति कैसे भी उत्पन्न हुई है, उसको आधार बनाकर साहित्यिक क्षेत्र में नवीन रचनाओं, नवीन बिंदुओं, नवीन दृष्टिकोणों को लेकर जब हिंदी साहित्य में रचनाएं प्रकाश में आने लगी तो वो रचनाओं का जो प्रकाश था उन रचनाओं में, रचनाओं ने नवीन जीवन दृष्टि, नवीन आलोचना और नवीन समन्वयवाद को बल देने का कार्य किया। इस तरह से अगर इसके बाद देखिए छात्रों, इसके बाद देखिए छात्रों कि साहित्य नेता भारतेंदु जी हुए, द्विवेदी जी हुए, जयशंकर प्रसाद जी हुए और रविंद्रनाथ टैगोर जी हुए। इन्होंने साहित्य को एक स्पष्ट अनुग्रह और कृतित्वात्मक रूप देने का कार्य किया है। तो ये बातें कर्ता या साहित्य नेता के आधार पर साहित्य में जब समाहित की जाएं तो वह जो अवस्था होगी, वह अवस्था कर्ता या साहित्य नेता के आधार पर हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण को निर्धारित करेगी। अब वह तीसरा आधार क्या है जिसके आधार पर हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया जाता है? तो देखिए वह तीसरी अवस्था है प्रवृत्ति के आधार पर। रचनाओं में जो प्रवृत्ति जब पनपी तो उसके आधार पर भी नामकरण किया जाता है कि प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति ने कब जन्म लिया, उस तत्कालीन परिस्थिति में और प्रवृत्ति में क्या क्या नवीनताएं थी, कौन कौन सी विशेषताएं थी जिन्होंने कि प्रवृत्ति के रूप में साहित्य को निर्धारित किया। अब जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जा रहा है तो एक आधार को लेकर तो लिखा नहीं जाएगा, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, इसे तो हमने विभाजित कर दिया। लेकिन अब प्राचीन काल में जो रचनाएं लिखी गई हैं वो कैसे हैं, तो उन्हें कर्ता या साहित्य नेता को हम देखेंगे। अगर कर्ता और साहित्य नेता के आधार पर नामकरण नहीं मिल रहा है तो प्रवृत्ति, क्या क्या विशिष्ट प्रवृत्तियां साहित्य में मिल रही हैं। जैसे प्रवृत्ति के लिए भक्ति से युक्त रचनाएं जो हैं,
भक्ति काल उसका नाम पड़ गया। फिर इसके बाद भक्ति काल में भी आप देखिए तो प्रवृत्ति राम भक्ति या सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा के अलावा छायावाद जो हम पाते हैं, प्रगतिवाद पाते हैं, ये तो देखिए विकासवादिता के आधार पर है। तो भक्ति काल जो हिंदी साहित्य में प्रवृत्ति के आधार पर काल विभाजन और नामकरण किया जाता है, तो रचना में क्या क्या विशिष्टात्मक प्रवृत्ति है, क्या क्या रचना की रचना का वैशिष्ट्य है, क्या रचना में उत्सुकता है, कैसी व्यवहारशीलता है, कैसे नवीन गुणों का प्रकाश हुआ है, वो सब प्रवृत्ति के आधार पर ही हम पाते हैं। जैसे मध्यकाल तो बांट दिया गया, अब मध्यकाल में भक्तिकालीन प्रवृत्ति है और रीतिकालीन प्रवृत्ति है। भक्ति यानी एक विशिष्ट बिंदु को का अनुपालन करने वाला करने वाली बात है, रीति यानी परंपरा के अनुपालन की प्रवृत्ति है। तो चाहे भक्तिकाल हो, रीतिकाल हो, चाहे राम भक्ति हो, कृष्ण भक्ति हो, इसके बाद प्रवृत्ति के आधार पर साहित्य का काल विभाजन, भक्ति जिसमें भक्ति से परिपूर्ण रचनाएं हो, राम भक्ति, राम भक्ति से परिपूर्ण रचनाओं का संकलन, सूफी काव्यधारा जिसमें स्वच्छंद विचारधारा का अनुपालन हो, छायावाद जिसमें प्रकृति की छाया पड़ रही हो, रीतिकाल जिसमें परंपरा का अनुपालन को लेकर काव्य रचनाएँ की जा रही हों। अब चौथा आधार क्या है जिसके आधार पर काल विभाजन और नामकरण किया जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं को, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर। जब साहित्य में कोई ऐसी सामाजिक या सांस्कृतिक घटना घटती है जो साहित्य को प्रभावित कर देती है, तो उसके आधार पर भी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण किया जाता है। यानी जैसे ऐसी कोई बड़ी आपदा आ गई, कोई बड़ी बीमारी आ गई, या अचानक ही कोई विशिष्ट परिवर्तन दृष्टिगोचर होने लगा। जैसे सामाजिक घटना ही थी कि हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता के उपरांत स्वातंत्रोत्तर काल, उसका नाम हम क्या देते हैं, स्वातंत्रोत्तर काल, यह नाम क्या है, सामाजिक घटना के आधार पर दिया गया नामकरण है। जैसे राष्ट्रीय धारा, राष्ट्रीय धारा यानी राष्ट्रीयता का अनुपालन करने वाली जो रचनाएं हैं वे क्या हैं, राष्ट्रीय धारा, यह नाम रामचंद्र शुक्ल ने दिया है कि हिंदी साहित्य की राष्ट्रीय धारा है जिसमें राष्ट्रभक्ति की भावना को लेकर कविताएं लिखी गई हैं और यह हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान कहा जाएगा। राष्ट्रीय धारा या प्रथम उत्थान, राष्ट्रीय धारा, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, चतुर्थ उत्थान और पंचम उत्थान, इस आधार पर काव्य रचनाएं लिखी गई हैं। अब जैसे एक और सांस्कृतिक घटना, जैसे स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंदतावादी धारा, जैसे सांस्कृतिक घटना ही है ना कि व्यक्ति स्वच्छंद होना चाहता है, धर्म के बंधनों में नहीं बंधना चाहता है, वह अपने स्वरूप का एक विशिष्ट निर्धारण करना चाहता है, व्यक्ति अपने स्वरूप, स्वभाव, प्रवृत्ति, संस्कार, समविष्टि, समाज के नवीन उत्थानों पर जोर देने वाला है। तो देखिए विकासवादिता के आधार पर अब हम चलते हैं, एक बार संक्षिप्त में चर्चा करें तो विकासवादिता के आधार पर हमने कहा था कि आदिकाल नाम दिया जाता है, क्या आदिकाल, फिर मध्यकाल, फिर आधुनिक काल। जैसे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास में
काल विभाजन और जो नामकरण किया जाता है वह आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल इस तरह का नामकरण किया जाता है, या भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रसाद युग, रविंद्र युग, या प्रवृत्ति के आधार पर भक्तिकाल, राम भक्ति, सूफी काव्यधारा, छायावाद, रीतिकाल इस तरह का नाम दिया जाता है, सामाजिक और सांस्कृतिक घटनाओं के आधार पर स्वातंत्रोत्तर काल, राष्ट्रीय धारा या स्वच्छंदतावाद नाम दिया जाता है। तो अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण किन किन आधारों को लेकर किया गया है, तो आज से आप उत्तर दे पाएंगे कि विकासवादिता को आधार बनाकर दिया गया है, कर्ता या साहित्य नेता को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का नाम दिया गया है, प्रवृत्ति को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का नाम दिया गया है, और सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाओं को आधार बनाकर हिंदी साहित्य का नामकरण किया गया है। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो हिंदी साहित्य के इतिहास की एक नई बात को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।